들어가자. 아, 모두는 이따 있으면 진짜 나겠냐? नेपाली में इसको सिमी साग बोलते हैं और आप पता नहीं में क्या बोलते हैं? पता नहीं है, अंजीरो बोलते हैं। हाँ, अंजीरो बोलते हैं। अंजी अंजीरो सोरदाना सोरदाना बोलते हैं। हाय गाइस, अभी फिर ये यहाँ जा रहा है, रागा सहित झरना है ये। अभी हम हापोली में हैं, अभी तेल भराते हैं आगे जाके। स्कूटी में तेल नहीं है, तेल कम नहीं है। तेल डालो, तेल डालो, 900 का तेल डालो। तो 900 का डालो। कितना है तेल? राइट, तेल का कितना? 194। 900 का डालो। इलेक्ट्रिक लगा के फाइगेट ही है। ओए दीदी आने उल्टा झरना जाएगा, झरना घूमने जाएगा, झरना घूमने जाएगा बोल के। दीदी यहाँ पर है, क्या लिए? काम नहीं है। आज जीरो का वेदर बहुत ही क्लीन है, आप सब देख सकते हैं। ये है जीरो का अच्छा रोड। इतना सुंदर रोड, देखो जीरो का रोड कैसे है। हर डिस्ट्रिक्ट जीरो से सीखना चाहिए कुछ, हर कॉन्ट्रैक्टर और जितना इंस्पेक्ट जो करता है वो भी देखना चाहिए, अच्छा से इंस्पेक्ट करना चाहिए, इससे कुछ सीखना चाहिए। वही तो, कुछ लेसन सीखते ही नहीं। कैसे बनाया जाता है रोड, यहाँ फुटपाथ है और यहाँ पे साइकिलिंग के लिए अलग से रोड है। देखो ना, वही तो इतना अच्छा से बनाया ना ये जो, ये सब तकी तकी का कमाल है। हर डिस्ट्रिक्ट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए को सीखना चाहिए, जीरो से सीखना चाहिए कुछ और सुंदर से बना रहे हैं इसको। फोर वे तो नहीं बोलेगा ये, फोर वे बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल से ये टू वे हो सकते हैं, फोर वे तो बिल्कुल नहीं है। वो दोनों इतना स्पीड से चला गया क्या? नजारा देखो, आज जीरो का वेदर बहुत सुंदर लग रहा है। देखो पीछे पीछे से अभी हम इसके बैठ बैठे हैं, और का रास्ता इतना अच्छा लग रहा है। अभी मेरा ख्याल से ये बहुत नीट एंड क्लीन भी लग रहा है। इसको कंपेयर किया जाए तो सिटी, मतलब कंपेयर किया जाए चंडीगढ़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। चंडीगढ़ का रास्ता ऐसे ही क्लीन होता है, ऐसे ही सफा होता है, और अभी जीरो का रास्ता ऐसे है एकदम नीट एंड क्लीन। ये हरी बस्ती, यहाँ पति पत्नी दोनों कहाँ गायब हो गए यार? हम दोनों का परछाई आपोली से अभी ओल्ड जीरो है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ओल्ड जीरो का व्यू, ओल्ड जीरो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी हम लोग ये है मेन टाउन ओल्ड जीरो, ना ये है हेलीपी। हम जा रहे हैं रागा के रोड पर,
अंदर घुसने से वो मिलता है, सिके लेक मिलेगा, सिके लेक। डाल दे तेल। सीमा तेल डाल दिया। व्यू काफी अच्छा है अभी। ये रोड, ये जगह बहुत ही हमको फ्रेश लगता है। अब इधर दो तीन बार घूमने आ गया। ये कौन सा बस्ती बोलते हैं पता नहीं। ये रोड जो धपड़ी जो रोड है, यहाँ से रागा जो कम्प्लीट डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद फिर धपड़ी जो होगा अपर सबनसरी, अपर सबनसरी से फिर यहाँ से एलोंग निकल सकते हैं। हेलो आलू निकल सकते हैं यहाँ से वहाँ धपड़ी जो होके निकल। हाँ धपड़ी जो होके जाना पड़ता है ना। पहले ऐसा नहीं था ये रास्ता ना, ये रास्ता बहुत ही धूली मिट्टी होके एकदम खटरा वाला, और बारिश समय को तो मत पूछो, इतना घटिया रास्ता था। स्लीपिंग होके, क्योंकि हम ये रोड में दो बार हो गए थे हम दोनों आने वाला, इधर घूम कर आने वाला हम लोग दो बार इसको मिला के दो बार हो रहा है। काफी अच्छा है। पहले ये रास्ता बहुत खराब था, अभी बहुत अच्छा हो गया, अभी बहुत ही ज्यादा ही अच्छा हो गया। आगे जाना दोनों मियां बीवी। यहाँ से ताजक बस्ती जा सकते हैं। याद है हम लोग यहाँ में घूमते समय में ये बहुत धूली था ना रास्ता, जो पहले बहुत खराब था ये रास्ता, कीचड़ कीचड़ होके, और जब धूप में होगा तो बहुत धूली होके ना, बहुत घटिया था। कहाँ जा रहे हैं? दिखा रहे ना, ये गेट पहले नहीं था ना, नया बनाया, इतना अच्छा लग रहा है। ये पूरा बता रहा है 06 किलोमीटर यजाली 41 1458 यूपिया 101 किलोमीटर, ईटानगर 117 किलोमीटर, होलोंगी 138 किलोमीटर। ओस अच्छा से बनाया तो ये गेट, पहले ऐसे ही नहीं था। देखिएगा अभी हम जर्रा के पास पहुंचने ही वाला है। यहाँ का रास्ता देखो अभी तक सूखा ही नहीं, इतना ठंडा है, बर्फ अभी तक बर्फ ही जैसा लगता है। या हवा बहुत ठंडा है यार, चुभ रहा है हवा जो हमको अभी ठंडा, ओवर ठंडा होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं होने के कारण से ये देखो रास्ता भी भिजा भी जाए, सूखा ही नहीं। शाम को आ जाएगा होगा। वाह कितना मजा है व्यू, रास्ता कितना फ्रेश लग रहा है देखो। ये क्या जंगल बम्बू है क्या ना माओ? ये है झरना। झरना यहाँ पे क्या? यार झरना में धूप भी नहीं है, इतना ठंडा यार। झरना पहुंच गया यार, इतना ठंडा है, ओह माय गॉश। ये है झरना, झरना झरने के आगे कोई नहीं, हम है। यहाँ में तो गर्म सीजन को ठीक होगा, और ठंडा को तो इतना मजा नहीं होया है। आप देख सकते हैं कितना फ्रेश वाटर फॉल कर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिर रहा है।
इसलिए ये गिरना है, लेकिन अभी हम लोग ठंडा सीजन में आए ना, बहुत ठंडा लग रहा है, हवा भी बहुत ठंडा ठंडा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं गिरना गिरना की गिरना 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 फ्लावर भी होने से दिखता है, पानी तो बहुत फ्रेश है। लोग हैं अयो, ये जगह तो सूखा ही नहीं है अभी तक, इतना ठंडा है। आदर उरी लड़खड़ाई कोई, झरना के नीचे क्या है, झरना के ऊपर क्या है, रस बहुत ठंडा है। ये सब्जी तोड़ रहा है नेपाली में, इसको सिमी साग बोलते हैं, और आप पता नहीं में क्या बोलते हैं, पता नहीं है, अंजीरो बोलते हैं। हाँ अंजीरो बोलते हैं, अंजी अंजीरो चोर दाना बोलते हैं, चोर दाना बोलते हैं, चोर दाना बोलते हैं, हलम पत्ता बोलते हैं। ये है सब्जी जो इसको भाजी करके खाना है, ऐसे दर क्यों होता है, फ्राई करके खाना है, टेस्ट होता है, ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे तोड़ते ऐसे तोड़ते ऐसे करके ऐसे, नहीं रूट को नहीं खाते ना, रूट वो सफेद वाला ये खाने से पेट डिसेंट्री हो जाएगा, पेट दर्द कराते हैं, इसको ऐसे कर तोड़ते हैं ना, नहीं ये तो पता नहीं हम खा के नहीं देखते, या फ्रेश फ्रेश सब्जी निकला हुआ है, ये देख दे सब्जी, झरना के नीचे सब लोग तोड़ रहे हैं, ये देखो इसको ऐसे भी तोड़ते हैं, ठंडा है ना, पानी तो बहुत बर्फ जैसा है यार, छोटा वाला मत तोड़ो, मतलब बड़ा बड़ा वाला को तोड़ो, या आए तो के बड़ा बड़ा को तोड़ने हम तो जरूर रूट को भी सफा करके खाएंगे, नहीं रूट को नहीं खाते, रूट को नहीं खाते ना, इसका वाइट वाला को खाता था ना, वाइट वाला को ये खाने से पेट दर्द होता है, इसलिए नहीं खाते, क्या वाइट वाला ये तो नहीं, क्या ये झरना का पानी, तो गर्म सीजन में आना सब चीज़ है, इनको बाजी करके खाने तेज होते हैं, फ्राई करके, फ्राई करके टेस्टी होते हैं ना, राज भैया नहीं तो अपना ये बोल के बोल रहे, ये तो हर चीज को नहीं खाना है बोलते हैं, ऑन भी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हम वीडियो बनाओ, ओके।